दोस्तों इस क्लिप्स चैनल को हमने बनाया है आपको सिखाने के लिए नॉलेज शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो बेसिकली जो मैं समझाऊ बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है आ, और आईपी एड्रेस से कनेक्टेड कुछ सेंट्रलाइज बॉडीज होती है और इन सारे चीजों को जिन वायर्स से जोड़ा जाता है दैट एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेट पर पर इंटरनेट का एक हिस्सा पब्लिक इंटरनेट होता है आ, और एक हिस्सा डार्क इंटरनेट होती है डार्क <laughs> वेब होती है एम आई राइट सो आप एकदम सही कह रहे हो रणबीर बट ऐसे सोचना कि इंटरनेट के दो हिस्से हैं इसमें आ, इसमें प्रॉब्लम यह है क्योंकि इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है चाहे आप डार्क वेब पे हो चाहे आप क्लियर वेब पे हो सो क्लियर वेब एक ऐसी चीज होती है जो जनरली पब्लिकली इंडेक्सेबल होती है यानी कि आप ऐसे सोचो आप अगर कोई ईमेल करते हो किसी को hmm. या आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि किसी दिन गूगल सर्च में आपके व्हाट्सएप के चैट्स आएंगे hmm. कभी नहीं ना क्योंकि आपके व्हाट्सएप चैट तो प्राइवेट है आपके और एक किसी इंसान के बीच में है आपकी ईमेल्स तो प्राइवेट है आप इतने सारे ईमेल्स जीमेल के साथ करते हो आप कभी ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि गूगल सर्च या कोई कभी गूगल सर्च करे तो आपकी या किसी की कॉन्वर्सेशन वहां पे आ जाए hmm. ये सारी चीजें जो नॉन इंडेक्सिबल है रणवीर ऑल्डो वो क्लियर इंटरनेट के प्रिंसिपल्स के साथ काम करती हैं बट उसे भी आप डार्क वेब कह सकते हो सो so, इस कारण मैं शुरू ये कर रहा था बताने का कि हर चीज डार्क वेब में डार्क नहीं होती hmm. जो सर्च एंजिन से क्वेरी किया जा सके उसे कहते हैं क्लियर वेब जो सर्च इंजिन से क्वेरी नहीं किया जा सके उसे आप कह सकते हो डार्क वेब hmm. तो ये डार्क वेब का क्राइम एंगल पॉन एंगल ड्रग्स एंगल कहाँ <laughs> आता है क्योंकि अक्सर मेन स्ट्रीम में लोग इन्हीं चीजों के बारे में सुनते हैं इट कम्स टू डार्क वेब बिल्कुल सो so, रणवीर मैंने जैसे आपको बताया डार्क वेब का मतलब ये है कि आप ट्रैक नहीं हो सकते हो जब आप ट्रैक नहीं हो सकते हो आप उसे मल्टीपल रीजन से यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बुक्स पढ़नी है जो बैंड है एक पर्टिकुलर कंट्री में द बेस्ट वे टू डू दैट इज अ डार्क वेब इनफैक्ट डार्क वेब में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फोरम्स है जहां पे खाली बैंड बुक्स मिलती है मुझे कोई कम्युनिकेशन करना है विच इज वेरी सेंसिटिव टू नेशनल सिक्योरिटी

और उस सर्विसेज के बेसिस पे आप यू you नो know, अपने आप को अनोनमाइज कर पाते हो बट द तरीका जो पॉपुलर तरीका एंड बाय द वे दर आर मल्टीपल वेज टू गो टू द डार्क वेब आल्सो द मोस्ट पॉपुलर तरीका इज यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड द टॉर ब्राउजर टॉर ब्राउजर यूज करना कोई इलीगल नहीं है क्योंकि आप उसे यूज करके अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उससे कहीं भी नोबडी कैन टेल यू वाई डू हैव अ टॉर ब्राउजर ऑन योर लैपटॉप आई विल कम इन अरेस्ट यू दैट इज़ नॉट हाउ दिस वर्कस बट ऑन दी अदर साइड अगर क्योंकि टॉर ब्राउजर जब आप यूज करते हो इट्स बेसिकली मल्टीपल नोड दैट यू होप बिटवीन इन एन अनोनमाइज्ड वे टिल द टाइम यू रीच द फाइनल नोड एंड क्योंकि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मास्क हो जाती है यानी कि एक नॉर्मल क्लियर वेब पे जब भी आप ए से बी से सी से डी जाते हो वहाँ पे आपका सोर्स आई पी एक तो आपका ओरिजिनल आईपी होता है और दूसरी चीज आप सेम आइडेंटिटी बिना किसी यू नो हिडन कॉन्टेक्ट से आप हर हॉप के बाद जाते हो बट यहाँ पे जब आप टॉर ब्राउजर यूज करते हो आपकी आइडेंटिटी हर लेयर पे एक और लेवल ऑफ मास्किंग हो जाती है hmm. तो इस कारण इनफैक्ट काफी सारी मिथ्स भी होती है जैसे क्योंकि यहाँ पे मास्किंग ऑफ आपकी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है डार्क वेब में आप ये देखोगे बहुत हैवी फाइल्स मतलब आप अपना पॉडकास्ट डार्क वेब में नहीं डाल सकते हो क्यों क्योंकि वहां पे लेटेंसी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इतने सारे लेयर्स ऑफ मास्किंग और फिर अनमास्किंग अनमास्किंग भी करना पड़ेगा ना क्योंकि आप जब कोई सर्वर पे जा रहे हो कोई डेटा लेने के लिए आपको वहां से वापस भी तो आना पड़ेगा और क्योंकि वहां पर लेटेंसी इतनी बढ़ जाती है जिस टाइम पे आप जाकर वापस आओ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मास्क होते हैं उस कारण आज अगर कोई ये कहता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ इनफैक्ट आपने क्राइम्स की बात की एक पॉपुलर क्राइम जो डार्क वेब में लोग बात करते हैं जनरली उसे कहते हैं रेड रूम रेड रूम क्या होता है रणवीर जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि वो एक लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी डार्क वेब में जहाँ पे आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो या किसी का मर्डर कर रहे हो और आप उसे लाइव स्ट्रीम करोगे टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड लोग उसे देखने के लिए आपको बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे पहली चीज ये कॉन्सेपचुअली इम्पॉसिबल है क्योंकि लाइव स्ट्रीम करना डार्क वेब में क्योंकि वहां पे लेटेंसी इतनी ज़्यादा होती है इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट बट वॉट इज पॉसिबल सपोज कोई चीज़ होती भी है यू नो रेड रूम्स बोल के वहां पे आपको कोई या तो स्काइप या जूम या टीम्स का एक इन्वाइट भेज दे वो कम्युनिकेशन जहां तक प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो आप आराम से कर सकते हो मे बी आई स्पेंड थाउजेंड ऑफ आवर्स ऑन द डार्क वेब और उसके बाद भी लोग कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं वो करूंगा ये करूंगा बट ज्यादातर या तो वो फेक होती हैं रूम्स क्योंकि ऑल दे केयर अबाउट इज जैसे ही आपको पैसे मिल जाएंगे यू नो दिल अवे क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते हो hmm. कि आपका केवा क्या था नॉट ओनली एट द डार्क वेब एज योर आइडेंटिटी बट ऑल्सो वैन यू पे थ्रू बेट कॉइन देर वेस्ट टू सॉट दैट आउट ऑल्सो देर समथिंग और एसक्रो अकाउंट एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू थीरियम बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी आई एम जस्ट कीपिंग थिंग्स वेरी वेरी सिंपल हियर दैट इन मोस्ट केस दैट आई दे आर वेरी फ्रॉडुलेंट And it's like a very, 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 very small minority of what you would be able to see these things as a red room. While it makes for great, oh my God, this is what is happening in the dark web, but that's not the case. But on the other side, what is very popular, as you said, right? Unfortunately, very popular would be child pornography. It will be, you know, it would be talking about things which are not popular in nature, right? In fact, um, ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है कि करीब करीब अर्ली यू नो अर्ली 2000 थाउजेंड आई थिंक इट वॉज़ 14 और 15 द यू एस गवर्नमेंट विच बाई द वे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नॉट ओनली सपोर्टर्स ऑफ द डार्क वेब एंड इट फंड वेब बट इट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हैवीली इन्वॉल्व इनफैक्ट ज़्यादातर फोरम्स जो डार्क वेब में होती हैं नॉट ओनली यू एस गवर्नमेंट की थ्री लेटर एजेंसीज उसे उसे चलाती हैं विदाउट यू नोइंग अबाउट इट बट ग्लोबली बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जानबूझ के ऐसे फोरम्स चलाती है जहां पर वो सुन सके कि कॉन्वर्सेशंस क्या हो रही हैं wow. और बेस्ड ऑन दैट देर वॉज अ टाइम वेर द यू एस गवर्नमेंट शट डाउन मेजोरिटी ऑफ द एम्बेसीज इन दूफ दू एस दूनाइटेड स्टेट इन द मिडल ईस्ट बिकॉज दे फाउंड फ्रॉम द डार्क वेब कि इस बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा था कि कैसे हम उन एम्बसीज़ को बॉम्ब कर सकते हैं